नमस्कार, मैं मानसी तिवारी और आप देख रहे हैं के भारत न्यूज। आई नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल बुलेटिन की ओर। लखनऊ में जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने किया सामूहिक विवाह कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण। देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद दाऊद की एक खास रिपोर्ट। वृंदावन योजना में 18 मार्च को आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रम की तैयारियों का जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने निरीक्षण किया है, जिसमें जिलाधिकारी ने सभी व्यवस्थाएं देर शाम तक दुरुस्त करने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। लखनऊ में आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद दाऊद की एक खास रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज केंद्र द्वारा लाए गए एनसीटी बिल के खिलाफ लखनऊ में प्रदर्शन किया, साथ ही केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उनकी पुलिस से उनकी झड़प हो गई, जिससे पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। वहीं अब इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। देखिए इस मामले में क्या कहना है आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह जी का। उसमें प्रीतपाल जी, सलूजा जी जो मान आईटी विंग के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, तुषार श्रीवास्तव, नीलम यादव, अफरोज आलम, विद्येश तिवारी महानगर के अध्यक्ष भाई अमित श्रीवास्तव, नोमान भाई, दूसरे कई ऐसे साथी हमारे हैं जो पुलिस की बर्बरता के शिकार हुए। हम योगी सरकार से कहना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता आंदोलन से निकला सिपाही है। हम आपके किसी जुल्म और जाति से डरने वाले लोग नहीं हैं। जिस तरीके से एक लोकप्रिय सरकार, भारी बहुमत से चुनी हुई सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार के अधिकार को आप छीनकर लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आपकी इस तानाशाही के खिलाफ विरोध करेंगे। हम आपके इस तानाशाही से डरने वाले लोग नहीं हैं। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं, जो तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि पुलिस ने बर्बरतापूर्वक जो किस तरीके से पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ लाठीचार्ज किया है, घसीटा है, यहाँ तक कि महिला कार्यकर्ताओं को भी पुलिस ने नहीं छोड़ा। हम आपके बीच में कुछ तस्वीरें जो साझा कर रहे हैं, ये तस्वीरें इस बात का गवाह है कि पुलिस ने किस तरीके से पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की। ये सारी तस्वीरें आपके सामने हैं। इसके अलावा इलाहाबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन में पुलिस ने बर्बरता की। इस समय उनकी गिरफ्तारी करके उनको इलाहाबाद की पुलिस लाइन में रखा गया है, और जिसकी भी तस्वीरें मेरे पास कुछ हैं। हम आपसे ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, इस लोकतांत्रिक देश में किसी भी जुल्म और जाति के खिलाफ लोगों को आवाज उठाने का अधिकार है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों की आवाज को योगी आदित्यनाथ की सरकार तानाशाही के बल पर और पुलिस के बल पर लोगों की आवाज को दबाना चाहती है। लेकिन आम आदमी पार्टी संघर्षों से निकली पार्टी है, ये आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। हम किसी भी जुल्म और जाति के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ेंगे, और हम सरकार की तानाशाही से झुकने वाले लोग नहीं हैं। जो हमारे साथ भाई शहबाज जी हैं, जो पुलिस के शिकार हैं, उस बात अपनी रखेंगे। हम लोग आज 10/90 पर जो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने रिट दायर किए, उसके खिलाफ प्रदर्शन करने गए थे। कोई उग्र प्रदर्शन नहीं था, शांतिपूर्वक प्रदर्शन था। हम लोग ज्ञापन लेके गए थे, राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन वहाँ पे देना था।
ज्ञापन देने के पूर्व ही वहाँ जेंट्स पुलिस महिलाओं से अभद्रता करने लगी, जिसकी हमारे पास तस्वीरें भी हैं, जिसमें महिला प्रदेश अध्यक्ष, महिला प्रदेश उपाध्यक्ष ये सब लोग थे और इनसे धक्का मुक्की वहाँ की जेंट्स पुलिस करने लगी। जब हमने उसका विरोध किया तो 8 से 10 पुलिस वालों ने टारगेट करके और गले पे लाठी रख के वो तब तक दबाए रहे जब तक मैं बेहोश होके गिर नहीं गया। जब मैं बेहोश होके गिर गया तब वो पुलिस वाले भागे हैं और उन्होंने फिर पूरी कार्यकर्ताओं पे, कोई महिला पुलिस नहीं थी वहाँ पे, ये देख लीजिए तस्वीरों में प्रूफ है, जेंट्स पुलिस वाला एक महिला के गर्दन पे हाथ रखे हुए हैं। तो अगर हम इसका विरोध कर रहे हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। उसके विरोध करने के सबब हमें टारगेट करके, जब तक हम बेहोश नहीं हो गए तब तक उन्होंने गले पे लाठी रख के दबाए रखा और उसके बाद सभी को वहाँ पे दौड़ा दौड़ा कर मारा है। ऐसा कोई उग्र प्रदर्शन नहीं था, हम लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, इस तरह की कोई वहाँ पे ज़रूरत नहीं थी। लेकिन ये जो योगी सरकार है ये अपनी तानाशाही दिखाने का जो एक हुनर अपना बना चुकी है कि हम हर उठने वाली आवाज़ को दबा देंगे, तो मैं आम आदमी पार्टी के यूथ विंग के उपाध्यक्ष होने के नाते बता देना चाहता हूँ कि अब जो आवाज़ उठ चुकी है वो ना दबने वाली है ना पीछे हटने वाली है। संबल में वैक्सीन लगवाने का झांसा देकर बदमाश ने की लूट। देखिए संबल से हमारे संवाददाता सतीश सिंह की एक खास रिपोर्ट। संबल में चंदौसी कोतवाली इलाके में सामुदायिक अस्पताल में कोविड वैक्सीन लगवाने का झांसा देकर बदमाश ने महिला को नशीला पदार्थ पिलाकर महिला के 1 लाख के जेवर समेत 2000 रुपए लूट लिए। फिलहाल महिला को बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मेरा नाम कौशल कुमार है। कौशल जी, क्या अस्पताल में जो ये लेटी है ये कौन है आपकी? ये हमारी मौसरी बहन है। हाँ, क्या हुआ इनके साथ? वैक्सीन लगवाने को आई थी, जी के लग चुकी थी तो समय वैक्सीन खत्म हो गई, तो एक सज्जन बोला कि मेरी जान पहचान हैगी, मैं आपकी वैक्सीन लगवा दूंगा। तो जो महिला बिल्डिंग है उसके पीछे बैला पुष्का के ले गया और सुंगा के इनके कानों में कुंडल और जो है पैरों की पजेबों और एक हाथ की अंगूठी उतार के ले गया। अच्छा, इस वक्त आप कहाँ पड़े हुए हैं? मैं इस समय अस्पताल, सरकारी अस्पताल में। कैसी हालत है इनकी? इन्हें होश नहीं है बिल्कुल भी। ये महिला अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पे आई थी, इनके हस्बैंड के द्वारा, इनके हस्बैंड की तो उम्र 60 साल से ऊपर थी तो उनको तो टीका लग गया था और महिला की उम्र 2 साल कम होने की वजह से वो वापस जा रही थी। तो इनको कोई पीछे का गेट जो है यहाँ पे सुबल गेट वाली रोड है, यहाँ पे कोई अनजान शख्स मिला। उस अनजान शख्स ने इनके जो इनके पति बता रहे हैं, उस अनजान शख्स ने बोला कि मैं आपके टीका लगवा दूंगा। अब क्या हुआ है कि वो अनजान शख्स कुर्ते पजामे में था बता रहे हैं, तो उस अनजान शख्स की वजह से वो महिला को, उनके पति अपने घर की तरफ वो चले गए। वो कह रहे हैं कि हम उनके साथ हुए यहाँ। उसके बाद इनको यही होम्योपैथिक जो अस्पताल है वहाँ के बाहर थोड़ा बेहोशी, जो होम्योपैथिक का अस्पताल है उस जगह पे इनको कोई बेहोशी आ रहा था। इनके बेटे के द्वारा जो बताया गया तो इनको कुछ ऐसा कोई पदार्थ सुंघाया गया जिससे कि बेहोशी की हालत में हो गई। बताया जा रहा है इनके साथ लूट लिए, इनके कुछ जेवर वगैरह लूट लिए, कानों के कुंडल। अब इनके पति और इनके बेटे के द्वारा तो ये चीज़ बताई जा रही है। अब इनकी क्या हालत है? अब हालत इनकी इतनी है कि इनको स्टेबल है, जान को खतरे से बाहर है, कोई ऐसी घबराने वाली कोई ऐसी बात नहीं, बस ये है कि थोड़ी सी इनकी लापरवाही, हस्बैंड साथ होते तो शायद ये घटना ना घटी। क्या मामला हो गया? ये घर से सुबह लगभग 10 बजे करीब चली थी कोविड 19 के लिए। डॉक्टर ने मना कर दिया था कि 2 दिन बाद लगेगा इंजेक्शन। फिर पापा जी ने अकेला घर पे छोड़ के चले गए थे, तो वो एक व्यक्ति बाहर मिला था, उसने कहा मैं लगवा दूंगा अस्पताल के द्वारा, तो उन्हें कहा मैं जल्द लगवा दूंगा 1 घंटे के अंदर। तो फिर रुक गई थी ये, फिर उन्होंने यहाँ पर उसने कुछ इन्हें खिला पिला के बेहोशी स्थिति में इनके कुंडल, चैन, अंगूठी और कहाँ पैरों में पहिए और 2000 रुपये का नहीं। लगभग कितना सामान ले है? लगभग अनुमान 80-90 हज़ार।
बलिया कला के नगर में दबंगों का बोलबाला। देखिए लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता मोहम्मद आजाद हुसैन की एक खास रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी के कोतवाली बलिया कला के नगर में लगभग 20 दबंगों ने मकान पर कब्जे को लेकर महिलाओं और बच्चों पर जमकर लाठी डंडे और धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिसके बाद महिलाओं को चोटें भी आई है। बता दें कि 16 मार्च को मकान मालिक राजकुमार की मौत हो गई। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के भारत न्यूज़।